सिद्धार्थनगर जिले के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजी करण के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिछले एक हफ्ते आंदोलन कर रहे कर्मचारियों आज पूरी तरह काम ठप कर दिया और बिजली विभाग कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। इनका आरोप है कि प्रदेश सरकार विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ अन्याय कर रही है। इनका कहना है कि अगर सरकार हमें खुद सुविधा दे तो हम निजीकरण से बढ़िया काम करके सरकार को दिखा देंगे। प्रदेश सरकार के खिलाफ इन कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही इनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो पूरे जिले बिजली सप्लाई बंद कर विरोध का प्रदर्शन किया करेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग का उद्देश्य प्रथम सेवा उद्देश्य होता है। दो तरह के इकाइयां होती है, प्रथम सेवा उद्देश्य और प्रथम लाभ उद्देश्य। निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है पहले लाभ कमाना, बाद में सेवा करना। ये एक ऐसी इकाई है कि इसमें पहले सेवा दिया जाता है, लाभ बाद में कमाना होता है। अगर कोई निजी क्षेत्र आएगा, कोई कंपनी लेगी, कोई व्यापारी लेगा, तो उसका उद्देश्य होगा पहले लाभ कमाना, वो सेवा नहीं देगी। जबकि हम विभाग में सेवा देना चाहते हैं, लाभ उद्देश्य बाद में। वाराणसी से नवरात्रि में अतिक्रमण के नाम पर गजनी व बाबर की तरह काशी में मंदिरों का विध्वंस तथा प्रमुख सड़कों से लेकर सर्किट हाउस तक में मजार व मस्जिद की आड़ में अवैध निर्माण व अतिक्रमण को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताकर सुरक्षित व संरक्षित करने के जिला प्रशासन के मुस्लिम तुष्टिकरण व भूमि जिहाद को समर्थन करने वाली दूषित मानसिकता व कार्यप्रणाली के विरुद्ध जिला मुख्यालय पर आज दिन मंगलवार दिनांक 27/3/2018 को दोपहर 12 बजे अनशन धरना प्रदर्शन किया गया। सर आप अपना नाम बताएं। कमलेश चंद्र त्रिपाठी एडवोकेट। यहाँ पे कैसा धरना आप लोग दे रहे हैं? हम अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशासन की जो दोहरी नीति है, जो काशी के इस्लामीकरण की नीति, उसके विरुद्ध हमें यहाँ अनशन पर बैठे हैं। क्या आपने निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई की? अतिक्रमण की आड़ में नवरात्र में हमारे मंदिरों का विध्वंस किया गया जेसीबी मशीन से, बाबर और गजनी की तर्ज पर। जबकि वही अतिक्रमण मजार का है, मस्जिद का है, उसको छुआ भी नहीं जा रहा है। चौक थाने के सामने अतिक्रमण नहीं छुआ जा रहा है। सर्किट हाउस में अतिक्रमण आप उसको नहीं छू रहे हैं, सिर्फ हमारे मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए मैं सहिष्णु हूँ, मैं उदार हूँ। ये कब की घटना है? ये 21 तारीख की घटना है। जेसीबी मशीन लगा करके ध्वस्तीकरण, प्राचीन मरी माई का मंदिर है, 100 साल पुराना है, आपने उसका ध्वस्तीकरण कर दिया। हमारे मंदिर अगर मान लीजिए अतिक्रमण के दायरे में है, तो आप उसको वैदिक रीति से हटाइए, उसको व्यवस्था से हटाइए, या आप जेसीबी मशीन से ध्वस्तीकरण कर। हमारी मूर्तियाँ टूट गई, नंदी का पैर टूट गया, उसका विरोध है। क्या आपने अभी मिले कि अधिकारी से? नहीं, ACM फोर महोदय आए, हमसे पत्र की मांग कर, हमका मेरा अनशन चलता रहेगा जब तक आप लिखित आश्वासन हमको नहीं देते कि कार्रवाई निष्पक्षतापूर्वक की। तो ये अनशन कब तक आप करेंगे? हमारा चलता रहेगा, ये कंटिन्यू अनशन मेरा चलेगा। धार में स्थित HDFC बैंक के कैशियर अंकित नरहरी घाटे निवासी हैप्पी विला कॉलोनी धार द्वारा बैंक में कैशियर के पद पर रहते हुए 17/8/2017 से 8/12/2018 को HDFC बैंक को 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाया कैशियर ने चुना। नौगांव पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश रीवा में विवादों को लेकर सदैव सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा के मंदिर ठाकुर रणमसी विद्यालय TRS कॉलेज का परिसर आज खून से लथपथ हो गया। दिन दहाड़े कुछ युवकों ने 22 वर्षीय छात्र नितिन सिंह गहरबार की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना से कॉलेज के छात्र सहमे से हैं। मध्य प्रदेश दतिया में आज दिनांक 27/3/2018 को NSUI कार्यकर्ता एवं जिला कांग्रेस द्वारा विगत दिनों कॉलेज में 6 छात्रों की पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज के विरोध में आज बाजार बंद का आह्वान किया गया था, जो शांतिपूर्वक सफल रहा। बेकसूर 6 छात्रों की बेरहमी से की गई पिटाई के खिलाफ NSUI कार्यकर्ता एवं जिला कांग्रेस द्वारा किला चौकी पर मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र का पुतला दहन किया गया एवं पुलिस की कार्यवाही के विरोध एवं भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ज्यादा सर नहीं होगा। समस्तीपुर जिले के नगर भवन में आज डाक अधीक्षक धनंजय कुमार की अध्यक्षता में समस्तीपुर डाक प्रमंडल के द्वारा डाक
महामेला सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका संचालक डाक निरीक्षक मुकेश कुमार लस्कर ने किया तथा मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बचत विभाग के पदाधिकारी अरविंद कुमार मंडल थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही उन्होंने उपस्थित डाक कर्मियों से गांव में रहने वाले लोगों को आवर्ती जमा खाता तथा मासिक आय योजना खाता समेत अन्य बचत खातों की जानकारी देने की सलाह दी। वाराणसी रथ यात्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में केसरवाणी वैश्य युवा महिला सभा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर संस्था के संरक्षिका रश्मि केसरवाणी ने जल ही जीवन के साथ संस्था के सदस्य व पदाधिकारियों को एक साथ शपथ दिलाया। संस्था के अध्यक्षता सुमन केसरी ने कहा कि समाज की महिलाओं के विकास के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। महामंत्री अंकित केसरी, ममता शालिनी व सीमा इत्यादि है, वो है तो कमी है जो वो है कि लोगों में के अंदर जागरूकता नहीं है कि हम कितने बड़े संकट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों की कोशिश यही है कि हम सब मिल करके सबसे पहले जागरूकता फैलाएं कि पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की है कि आगे जो हमारा अगला कार्यक्रम हो, कुछ तालाब या जल स्रोत हम लोग चिन्हित करके उनके बचाने के लिए कुछ अभियान चला करके उनके संरक्षण के लिए काम करें। शपथ लेती हूँ कि मैं जल का उपयोग दूंगी तथा जल संरक्षण के इस अभियान का हिस्सा बनकर समाज में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाऊंगी। मध्य प्रदेश निवाड़ी में गर्मी शुरू होते ही निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव असाटी पानी की बढ़ती विकराल समस्या से जूझ रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए गांव से बाहर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पानी के लिए भटकते देखा जाता है। वैसे तो निवाड़ी विधानसभा सहित ऐसा कोई गाँव नहीं है जो पेयजल संकट से जूझ ना रहा हो। ग्रामीणों ने गाँव में बढ़ रही पेयजल की समस्या को लेकर अनुभागीय अधिकारी निवाड़ी प्रताप सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया, ग्रामीणों ग्राम में ठप पड़ रहे जल स्रोत को सुचारू रूप से चालू कराया जाए एवं टैंकरों द्वारा पानी की उचित व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को चेताते हुए कहा, अगर एक सप्ताह के भीतर पेयजल समस्या हल नहीं हुआ तो NH76 झांसी मऊरानीपुर हाईवे मुख्य मार्ग पर चक्का जाम एवं विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्राम असाटी में बहुत ज़्यादा संकट है, कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर से हम लोग पानी भरने जाते हैं, और पैदल तो कोई जाता नहीं, सब लोग मोटरसाइकिल या साइकिल है तो उसी से जाते हैं, वरना पैदल किसी पानी है नहीं। गांव में कोई भी हेडपम्प साझा नहीं है और कुओं में पानी तो है ही नहीं बिल्कुल, और जो ट्यूब वेलों में है तो वो भी गाँव से बाहर ही है, बहुत दूर 2-3। पाइपलाइन बिछी है लेकिन अभी तक पानी नहीं आया, कनेक्शन भी नहीं हुआ, ना ही कनेक्शन हुए ना ही पानी आया बिल्कुल। यहाँ पर SDM साहब से 8 दिन पहले की बोली, सरपंच से बोली और विधायक जी से भी बोली, कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। दूर से वहाँ के लिए आया पानी, कितने दूर से? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, और ये सब लोग गांव के वहीं जाते हैं के, और